अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं, हम लोग आज अपनी भाभी के पापा को देखते हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये देखिए यहाँ रोड ही इतनी ख़राब है। 5 साल पहले जो हम भाभी के इंगेजमेंट के लिए आए थे, 5-6 साल पहले, तब भी ऐसी रोड थी और आज भी ऐसी है। प्लीज़ आप सब लोग मेरी भाभी के पापा के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह उनको सेहत दे, क्योंकि उनके माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग आए हुए हैं मेरे हस्बैंड के दादा की सबसे छोटी बहन है उनके घर पे, और वो बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से मिली हम लोग से। ये देखिए आरिश के लिए उन्होंने चिप्स तलवाए। आज हम लोग लखनऊ की थोड़ी सैर पे निकले हैं और फन मॉल जा रहे हैं। हम लोग हमारी सिस्टर के घर से बहुत दूर है। ये देखिए यहाँ से रूमी गेट नज़र आ रहा है और हम लोग यहीं से होके जा रहे हैं। और ये बड़ा इमाम बाड़ा है, देखिए ये बड़े इमाम बाड़े का ये गेट है। उधर की तरफ ये वाला ये गेट है इसका बड़ा। हम लोग इमाम बाड़ा देखने इसलिए नहीं गए क्योंकि ये सब हम लोग का पहले का देखा हुआ है। नहीं। हम लोग मॉल आ गए हैं और ये देखिए क्या क्या क्यों कर रही हो ये? नहीं हम वीडियो बना रहे हैं। चलो 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 भैया सुनो सुनो आओ जल्दी आओ। देखने के लिए क्या सोच रहे हैं चलो चलो चलो। 5,000 आरिश आरिश साथ में यहाँ पे आया तो आरिश बहुत दूर चले गए थे और मैं एकदम घबरा गई थी, जल्दी से भागने लगी थी पीछे पीछे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप जल्दी से भाग के जाइए, आयत नहीं दिख रही है, बहुत दूर चली गई थी भागते हुए। फिर जल्दी से भाग के गए और उन्होंने उसको पकड़ा जाके, समझ आ रही है उसे रोकी भाई। बहुत मस्ती कर रहे थे ये लोग लेकिन बहुत दूर दूर भाग चले जा रहे थे। आरिश उसको पकड़ो जल्दी, अरे उसे पकड़ो, अरे आप जाइए ना। लैपिंग कर रही है देखिए। भागना नहीं, कोई भागेगा नहीं, साथ साथ चलेंगे। रख ले आए साथ 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 साथ, पकड़ो इधर पकड़ो पकड़ो इधर पकड़ो 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 देना आराम से पकड़ाओ, हमें जगह नहीं इसको। इधर आओ बच्ची 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 इधर आओ। एक बच्चों के कपड़े देखिए कितने अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं शॉप के अंदर गई थी, कपड़े देखे थे मैंने जाके आयत के लिए, लेकिन मुझे शूज़ लेना थे, शूज़ आयत की मुझे पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। वहाँ पे सैंडल या शूज़ कोई भी चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी। आयत आयत
आपने लगा लिया क्या? हम लोग बच्चों के लिए पूरे मॉल में गेम ढूंढते रहे लेकिन ऊपर से नीचे तक कहीं मिली कहीं बिना झूले थे ना कोई गेम था बच्चों का। बच्चों को भूख लगाई तो हम लोग कैंटीन आ गए थे इन लोग के लिए फ्रेंच फ्राइज लिए। तो जब तक इनके अब ये है फन मॉल और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ घूम लिया है और आयत तारिश को इतना मज़ा भी खूब आया एस्केलेटर पे। आयत को बहुत ही मज़ा आया। हम लोग वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अफ्तार का टाइम भी हो गया है। और अल्लाह हाफिज़।